कपूरिया ओबी क्षेत्र के दुखीडी में चल रहे कोयला डिपो में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग स्थित कुछ ग्रामीणों ने डिपो में जाकर डिपो को अवैध बताकर हो हल्ला करने लगे। इस बीच डिपो संचालक ने कहा, इस डिपो का हमारे पास परमिशन है और ये अवैध नहीं है, बकायदे इसका GST नंबर भी है। फिर भी ग्रामीणों ने डिपो बंद करवाने को लेकर विरोध लगातार जड़ रहे थे। इस बीच इसकी सूचना ओपी प्रभारी को दी गई। ओपी प्रभारी विभूति देव घटना स्थल पर अपने दल बल के साथ पहुंचे, जहां डिपो संचालक ने ओपी प्रभारी को डिपो की कागजात दिखाए। वहीं इसकी सूचना पर बागमारा अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त कर इस घटना की जांच हेतु CI विजय कुमार को भेजे थे, जहां डिपो संचालक द्वारा डिपो की परमिशन संबंधित कागजात दिखाए गए। प्रशासन द्वारा विरोध कर रहे उन ग्रामीणों को उसकी जांच किया गया। प्रथम दृष्टि से इसका 200 टन तक का परमिशन है, साथ ही इसका GST नंबर भी उपलब्ध है। आगे जांच उपरांत ही कार्रवाई किया जाएगा। वहीं धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के नजदीक रहने वाले कुछ ग्रामीण ने प्रशासन की बात नहीं माने और वहां के कुछ लोग प्रशासन के सामने ही कोयला उठाने लगे। वहीं प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया तो कुछ लोग पथराव शुरू कर, जिससे वहां के स्थानीय ग्रामीण को चोट लग जाने से ग्रामीणों के दो गुटों में पथराव के साथ साथ लाठी डंडा चलने लगा, जिससे वहां पर मौजूद एक सिपाही एवं स्थानीय युवक को चोट लगी थी। और पथराव करने वाले लोगों द्वारा BCCL द्वारा भेजे एक हाइवा एवं JCB की शीशा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा विधि व्यवस्था को देखते हुए लाठी चार्ज किया गया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। इस घटना के संबंध में CI ने कहा कि पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, बागमारा अंचल अधिकारी के आदेशानुसार कोयला उठाव किया जा रहा था, जिसके आगे अंचलाधिकारी के आदेश पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ जांच के दौरान ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे जांच पूरी नहीं हो सकी। फिर उनसे पेपर की मांग करके CEO साहब जांच करेंगे, उसके बाद अगले कार्रवाई की जाएगी। अगला कार्रवाई क्या होगी? CEO साहब से बात हुई, अभी बोले अगला कार्रवाई जो होगा उसके बाद जांच करवा रहे हैं। प्रशासन पर भी तो हमला हुआ है। हाँ, प्रशासन पर हमला हुआ है, प्रशासन की तरफ से भी FIR हो रहा है और ड्राइवर के द्वारा भी FIR करवाया जा रहा है। गाड़ी का शीशा भी फोड़ा गया है। हाँ जी, कुछ हमारे जवान घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है, सब पर FIR होगा। सर अपना परिचय दे दो। हाँ, मैं विजय कुमार, परवारी अंचल निरीक्षक सर, राजस्व उप निरीक्षक।